हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे और आप जिस भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आपका तैयारी काफ़ी अच्छे तरह से चल रहा होगा। अभी आप स्क्रीन के ऊपर जो देख रहे हैं ये एडुटेरिया करंट अफेयर, ये बिल्कुल नई वाली बुक जो है इसके अंदर जो है 1.5 ईयर का करंट अफेयर इंक्लूड किया गया है, जो जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर है। और जो हमारे भाई बंधु रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रेलवे स्पेशल करंट अफेयर इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, आप यहां भी देख सकते हैं, ये 1.5 ईयर के करंट अफेयर इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, जो जनवरी 2021 से लेकर 20 जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। अभी हम विषय सूची पे चलते हैं। विषय सूची के अंदर जो है टोटल 48 चैप्टर दिए हुए हैं और 48वां चैप्टर के अंदर जो है 750 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं, जिसके अंदर 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 10 इसकी पूरी की पूरी वीडियो मैं अच्छी तरह से समझाकर अपलोड कर रखा हूँ अपने चैनल के ऊपर। और अब तक आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो ये वीडियो जो है एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इन वीडियो को पहले देखिए और वीडियो को अंत तक देखा कीजिएगा और एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। और अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ ये है प्रैक्टिस सेट 11। तो प्रैक्टिस सेट 11 अभी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन प्रैक्टिस सेट 11। और हाँ, अब तक अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ उसका इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत आप तक पहुँच जाए। और वीडियो को अंत तक देखा कीजिए, एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन प्रैक्टिस सेट 11। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है रघुराम राजन जी को। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एशियाई देश में ईंधन यानी एलपीजी की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा किया गया है किस एशियाई देश के अंदर? तो ये एशियाई देश है कजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 79 गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2022 की घोषणा की गई है, इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए हम लोग चेक करते हैं कौन सा कथन सत्य है। द फिल्म है द पावर ऑफ द डॉग, ये सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर है ड्रामा का, इसको पुरस्कार दिया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। और विल स्मिथ जो है ये बेस्ट एक्टर इन ड्रामा में इसको अवार्ड दिया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अभिनेत्री की बात करते हैं तो निकोल किडमैन है जिनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है ड्रामा अवार्ड में, तो ये बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे इसके आंसर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जनवरी 2022 में गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री को राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, तो ये कौन है? तो ये है प्रताप सिंह राणे। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए चेक करते हैं कौन सा कथन सत्य है। इसका आयोजन जो है अमेरिका के गुआम में किया गया है, ये बिल्कुल सही है। और इस युद्ध अभ्यास में क्वाड देश यानी क्वाड देश के साथ है कनाडा और दक्षिण कोरिया ने भी भाग लिया। क्वाड का अर्थ होता है अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, यानी इसको हम लोग लिखते हैं जिया के नाम से, जिया के नाम से आप इसको याद कर सकते हैं। तो जिया है, कनाडा है, दक्षिण कोरिया ने भाग लिया है, तो ये बिल्कुल सही है। सी ड्रैगन अमेरिकी नौसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसके उपयुक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि गांधी के हत्यारे ये किताब है, गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे कांट हिट्स आइडिया ऑफ इंडिया, ये किताब है, ये किसने लिखी है? तो ये है धीरेन्द्र झा का, गांधी के हत्यारे जो बुक है ये धीरेन्द्र झा का किताब है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन नियुक्त हुई है? तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जो है ये आयशा मलिक को नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी स्कूल के नाम जो है किनके नाम पर रखने की घोषणा किया है? तो जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर रखने का घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी जो है ये कौन सा राज्य करेगा? तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? तो वीर बाल दिवस जो है ये 26 दिसंबर को मनाने की घोषणा की है। आईपीएल 2022-2023 के लिए कौन सी कंपनी जो है टाइटल स्पॉन्सर होगी? तो ये कंपनी होगी टाटा ग्रुप। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 7 जनवरी
से 9 जनवरी 2022 के बीच नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये 9वां संस्करण का आयोजन जो है ये गुवाहाटी आसाम के अंदर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा शहर जो है ये जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो ये शहर है कोची। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य कौन देश हैं? तो ये देश हैं बांग्लादेश, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात, यानी उपयुक्त सभी ये मेंबर हैं इसके। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत परिस्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल कितने ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनाक्षित हैं? तो ये हैं 17 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 33% से अधिक भौगोलिक वनाक्षित हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से, कह रहा है कि इसरो के नए अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसरो के नए अध्यक्ष जो हैं ये एस सोमनाथ जी हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में हुए पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है? तो ये कमेटी बनाया गया इंदु मल्होत्रा जी के अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है, 7 जनवरी 2022 को जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत के भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन बन गया है? तो भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश जो है ये भूटान है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विदेशी मुद्रा संकट की स्थिति से निपटने के लिए भारत ने किस पड़ोसी देश को $900 मिलियन का ऋण दिया है? तो ये देश है श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? तो ये है माया एंजेलो। माया एंजेलो जो है ये अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में कौन सा कथन जो है ये सत्य है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है ये 21.71% है। तो ये बिल्कुल सही है। पिछले रिपोर्ट की तुलना में भारत में वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि टाइगर रिजर्व में वनावरण में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत अरुणाचल प्रदेश के पकेट टाइगर रिजर्व का है। तो ये भी बिल्कुल सही है, इसके उपयुक्त डी इसके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि रेल मंत्रालय ने जनवरी 2022 में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन रखने की घोषणा किया है? तो ये है केवड़िया रेलवे स्टेशन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? देखिए प्रदीप शाह जो है ये फाइजर इंडिया के अध्यक्ष है, बिल्कुल सही है। शेफाली वर्मा जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर बनी है, बिल्कुल सही है। राजकुमार राव जो है ये रिन्यू बाई कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, इसके हो जाएंगे उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन जो है, कह रहा है कि मिशन अमानत की शुरुआत की गई है किसके द्वारा? तो आरपीएफ के द्वारा, भारतीय रेलवे के द्वारा जो है मिशन अमानत की शुरुआत किया गया है। मिशन अमानत की शुरुआत भारतीय रेलवे के द्वारा। ममता बियॉन्ड 2021 ये नामक पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? तो जयंता घोषाल जो है ये ममता बियॉन्ड पुस्तक के लेखक हैं। जनवरी 2022 में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित हैं? तो आइए हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। बारबाडोस के प्रधानमंत्री मियां मोटली हैं। तो ये बिल्कुल सही है। भारत के थल सेना उप प्रमुख जो है मनोज पांडे हैं, ये भी बिल्कुल उस समय के हिसाब से सही था, आपके हिसाब से ये गलत हो गया है क्योंकि अब ये उप प्रमुख नहीं, अब ये प्रमुख हो चुके हैं। अब AEPC के जो नए अध्यक्ष हैं ये नरेंद्र कुमार गोयनका है। तो ये बिल्कुल सही है, अगर हम इस क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं उस टाइम के हिसाब से, तो इसके आंसर हो जाएंगे उपयुक्त सभी। अगर नहीं तो ये ए और सी इसके आंसर होंगे। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्ष 2023 में पहली विश्व बाधित T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आयोजन किया जाएगा केरल के अंदर। पंडित बिरजू महाराज का निधन जो है ये 17 जनवरी 2022 को हो गया। वो किस नृत्य शैली के मशहूर थे? तो पंडित बिरजू महाराज जो है ये कथक के मशहूर थे, कथक। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कुछ त्यौहार दिए गए हैं इसमें से कौन सुमेलित है? आइए चेक करते हैं। तो लोसुंग जो है ये सिक्किम का त्यौहार है, ये बिल्कुल सही है। जल्लीकट्टू जो है ये मुद्दर तमिलनाडु का है, तो बिल्कुल सही है। लोसार जो है लद्दाख का है, तो ये बिल्कुल सही है, यानी उपयुक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
वर्ष 2021 में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष स्थान पे कौन है, तो ये स्थान प्राप्त किया है नाओमी ओसाका। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंडोमिटेबल ए वर्क, ये वर्किंग वीमेंस नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडर, ये किसकी आत्मकथा है, ये अपनी आत्मकथा लिखी है, अरुंधति भट्टाचार्य का आत्मकथा है, ये अरुंधति भट्टाचार्य का ये आत्मकथा है। हाँ, न्याय घड़ी जो है ये गुजरात हाई कोर्ट के अंदर स्थापित किया गया है न्याय घड़ी। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जो है ये साइलिन फोर्ड जीती हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस्सा खाकी का ये लॉन्च किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, ये पहला पॉडकास्ट है दिल्ली पुलिस का किस्सा खाकी का, और इसे लॉन्च किया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। सारथी की बात करते हैं तो सारथी मोबाइल ऐप है और इसको लॉन्च किया गया है, सारथी ये लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा। फीफा अवार्ड 2021 की बात कर लेते हैं, तो लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है रॉबर्ट लेवांडोस्की को। हिमाचल प्रदेश में आयोजित 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है, तो ये टीम है लद्दाख महिला टीम। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया अपनी राजधानी कहाँ बनाया है, तो नुसंतरा बनाया है इंडोनेशिया अपनी राजधानी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ बनाया गया है, तो ये बनाया गया है लद्दाख के अंदर। भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है, तो ये निर्माण कर रहा है वियतनाम के अंदर। अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ये किया है सानिया मिर्जा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है किस देश ने, तो ये देश है मॉरिशस। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है डिजिटल रूप से किया गया, इसका थीम क्या था, तो इसका थीम है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर महिला डॉक्टर कौन बनी है, तो ये है सारा गिल। सारा गिल जो है ये पाकिस्तान की है और ये पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर है सारा गिल। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विषय की 13 लोकप्रिय नेताओं की सूची में किस नेता को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये नेता हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन है, ये कुछ बुक दिए हुए हैं, कह रहा है कि उसके राइटर को है सुमिलित करना है, तो दे आइए चेक करते हैं। बोस जो है, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट है, ये चंद्रचूर घोष का है, तो बिल्कुल सही है। द लेजेंड ऑफ द बिरसा मुंडा तुहिन एस सिन्हा और अंकित वर्मा का है, तो ये भी बिल्कुल सही है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की बात करते हैं तो नवदीप सिंह गिल का है, तो ये भी बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि नासा ये कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली महिला भारतीय कौन बनी है, कौन प्रतिष्ठित है जो नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, तो ये है जहांगवी डांगेती। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जारी किया गया है, तो ये जारी किया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये लास्ट क्वेश्चन है, और अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत ये योजना की शुरुआत किया गया है, तो मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत जो है ये हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।